नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए आप अपना ख्याल रखें। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के मनियारपुर गांव के हल्का लेखपाल का पैसा लेते हुए फर्जी वीडियो वायरल कर दिया गया। जिस संबंध में हल्का लेखपाल कमलेश कुमार यादव से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वीडियो पूरी तरह से फर्जी बनाया गया है। गोरखपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण में किसानों की खड़ी फसल को रौंदी गई थी। शासन द्वारा किसानों की रौंदी हुई फसलों का मुआवजा की नकद भुगतान किया जा रहा था, जिसमें मनियारपुर गाँव के चंडी और घुराऊ खसवा खातेदार हैं, जिसके कारण मेरे द्वारा चंडी का पैसा भी घुराऊ को दे दिया गया था। चंडी इस समय पूरे परिवार के साथ दिल्ली में रहता है, जहां उसे मुआवजे के पैसे की जानकारी होती है तो उसने तत्काल लेखपाल को फ़ोन कर मना कर दिया कि मैं जब भी आऊँगा अपने मुआवजा का पैसा मैं लेखपाल साहब आपसे ही लूँगा, मेरा पैसा किसी अन्य व्यक्ति को मत दीजिएगा। मेरे द्वारा जब घुराऊ से चंडी का पैसा वापस मांगा गया उसी समय किसी ग्रामीण ने चोरी से वीडियो बना लिया। उस वीडियो के जरिए वह मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, साथ ही गलत काम करने के लिए उसका भी रहा है। टीवी 20 न्यूज संवाददाता से बात करते हुए आगे लेखपाल ने बताया कि जब इसकी जानकारी मुझे हुई तो मैंने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से ग्राम सभा के घुराऊ चंडीराम दरस वर्मा जनार्दन मिश्रा से इस संबंध में पत्रकारों से बातचीत की गई, जिसमें सभी ने स्वीकार किया कि लेखपाल द्वारा किसी भी तरह का पैसा रिश्वत नहीं लिया गया है। वह पैसा चंडी और घुराऊ का था, जिसकी वजह से घुराऊ ने पुनः चंडी का पैसा लेखपाल साहब को वापस कर दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव के कुछ मनबड़ और दबंग किस्म के लोग फर्जी वीडियो बनाकर अधिकारी कर्मचारियों को परेशान करते हैं। इस वीडियो में जो भी कुछ दिखाया गया वह पूरी तरीके से गलत है। क्या नाम है? घुराऊ। हाँ, कौन सा गाँव? मनियारपुर। हमारी जो सरसों की फसल थी, रौंद दी गई थी, उसका मुआवजा और जो दिया गया था उसमें से हमको चंडी का मिल गया था। हमने 3,000 रुपया उनको, नहीं साहब हमारा चाहिए, 3,000 रुपया उनको लौटा दिया। लेखपाल साहब को उनका दे दीजिए। लेखपाल साहब को वापस कर दिए थे जी। आपको कितना पैसा मिला था? 5,000 हमारा, 10,000, 5,000 2,000। अच्छा, कितना पैसा वापस किया आपने? पैसा हमने 3,000 वापस किया था। चंडी में चेंज नहीं था पैसा, इसलिए हमने, हाँ चेंज नहीं था साहब, उसमें चेंज के लिए हमने दे दिया साहब। हम जनार्दन मिश्र, ग्राम मनियात निवासी हैं। ये हम लोगों की फसल जो है अधिग्रहण गई, रोक दी गई थी, उसका मुआवजा आया, गांव में बट रहा था और उसमें सब लोग अपना पैसा ले ले रहे थे। घुरहू का पैसा जो है, ये सहकातेदार है चंडी के, उनका पैसा वो था नहीं, इनको दिया गया। इन्होंने बाद में 3,000 रुपया जो है लेखपाल साहब को वापस कर दिया। किसी ने फर्जी वीडियो बना लिया है जो बिल्कुल गलत है। लेखपाल को ब्लैक मेल करने के लिए ऐसा काम किया किसी ने, जो सड़क। रामदास वर्मा, ग्राम मनियारपुर का निवासी हूँ। हमारे जमीन जो है सड़क में चली गई है और सड़क में जो जितनी फसलें थी हमारी, काफ़ी फसलें रौंद दी गई। हम लोग झगड़ते रहे कि इसका मुआवजा दो, मुआवजा दो। बड़ी मुश्किल से मुआवजा के लिए लेखपाल साहब मुआवजा बनाए, मिला नहीं। तो यूपीडा वाले आए, वो पैसा बांट रहे थे, हमारा भी पैसा 20-25 हज़ार था, वो हमको मिला जी। और बाकी वहाँ कर से हम 50 आदमी थे, सबका मुआवजा मिल रहा था। और उसमें से घुराऊ और चंडी दोनों की एक चक है, कंबाइन चक है, तो उसमें घुराऊ को और चंडी का पैसा, घुराऊ को 10,420 दे दिया गया। तो लेखपाल साहब, भाई चंडी का पैसा हमको वापस करना, कर दो। तो जिसमें 3,000 रुपये घुराऊ जो है लेखपाल साहब को वापस कर लिए थे। और भी कई लोग थे, जैसे हमको मिल गया कुछ पैसे उधार, चेंज नहीं है तो 100-200 रुपये चेंज करवा के कुछ लोग। कमलेश यादव, मुठिया मंडल के लेखपाल, मनियारपुर में फसल मुआवजा का पैसा कैश दिया गया था, जो किसानों को मुआवजे के अनुसार, सबको अंश के अनुसार दिया गया। जो हमारा वीडियो वायरल हो रहा है वो गलत है। गांव मनियारपुर में कोई भी अधिकारी जांच कर सकते हैं, मीडिया पत्रकार बंधु जाके आप जांच कर सकते हैं। मैंने फसल का पैसा कैश दिया गया है। आजमगढ़ में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के जगह जगह चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं और अपराधियों पर पैनी नज़र पुलिस रख रही है। किसी भी मूड में अपराधियों को आजमगढ़ पुलिस बकसने के मूड में नहीं है।
इसके तहत आज दीदारगंज की पुलिस ने एक जेरिकेन में 10 लीटर कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो एक गंभीरपुर की पुलिस ने भी एक अदद अवैध चाकू के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बात करें अगर मेनाजपुर पुलिस की, तो मेनाजपुर पुलिस ने भी एक तमंचा कारतूस व नजायज तमंचा के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो वहीं कंदरापुर पुलिस 9 लीटर कच्ची नजायज शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो साथ ही कंदरापुर पुलिस ने अपनी दूसरी कार्रवाई में एक नजायज चाकू के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो ये थाना गंभीरपुर पुलिस ने वाहन के साथ दुष्कर्म व हत्या करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और हत्या में प्रयुक्त एक खलबट्टा भी बरामद कर लिया है। साथ ही निजामाबाद पुलिस ने अपनी अलग अलग तीन कार्रवाइयों में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नफर टॉप 10 का अभियुक्त शामिल है। साथ ही देसी अवैध शराब, चाकू व असलाह भी पुलिस ने बरामद किया है। इस तरह की हुई कार्रवाई से जहां अपराध खेमे में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं जनपद के लोगों ने राहत भरी सांस ली है। आगामी चुनाव को देखते हुए पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देश पर पुलिस द्वारा लगातार हो रही पेट्रोलिंग आपराधिक मानसिकता एवं अपराध में वांछित लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक रखी है। मामला महाराजगंज थाने का है, जहां पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान विगत दिनों देवारा क्षेत्र के देवारा कदीम में 2 पक्षों में नाली व पैसे को लेकर हुई मारपीट में वांछित आरोपी अनिरुद्ध यादव उर्फ बारूद अपने एक साथी सूर्यभान साहनी के साथ महाराजगंज पुलिस के हाथों चढ़ गया। पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम में उप निरीक्षक हौसला सिंह के अनुसार सूचना मिली कि वांछित आरोपी अनिरुद्ध यादव उर्फ बारूद सहदेवगंज बंधे के नीचे अपने साथियों के साथ अपमिश्रित शराब बना रहा है। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस को देखकर वहां मौजूद लोग भागने लगे। पुलिस भाग रहे लोगों में से 2 को पकड़ने में सफल रही। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपियों में सूर्यभान साहनी भी है, जो पूर्व में भी कई मुकदमों में वांछित रहा है। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपियों के पास से अपमिश्रित शराब के साथ साथ 200 ग्राम यूरिया और 100 ग्राम फिटक्रियो में एक अदद चाकू भी बरामद हुआ है। पुलिस ने यह भी बताया कि पकड़े गए आरोपियों से भागने वाले के बारे में पूछा गया तो उनके द्वारा यह बताया गया कि प्रधान चुनाव के चलते दारू की मांग बहुत बढ़ जाने से हम अपने साथी निरंजन राम रामदुलारे और राम निवास के साथ अपमिश्रित शराब बना रहे थे कि पुलिस को देखते ही भाग गए। उपरोक्त आरोपियों को पुलिस ने संबंधित धारा में चलान कर जेल भेज दिया है। आजमगढ़ जिले में पहुंचे समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव बाबूलाल सेठ ने जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन द्वारा व्यापारी के साथ की गई अभद्रता के मामले पर कहा कि जितने भी अधिकारी इसमें दोषी है उनको तत्काल सस्पेंड किया जाए, क्योंकि उप जिलाधिकारी के दुर्व्यवहार की वजह से सभी व्यापारी दहशत में है। आपको बता दें कि सराफा व्यवसायी आशीष गोयल के साथ उप जिलाधिकारी सदर गौरव कुमार व COCT डॉक्टर राजेश तिवारी के द्वारा मास्क न लगाने पर मारपीट कर अभद्रता की गई। इसको लेकर आक्रोशित व्यापारियों ने कोतवाली परिसर में जमकर हंगामा किया था और जाम भी लगा दिया था। इसके विरोध में व्यापारियों ने अपनी दुकानों को बंद भी रखा था। इसकी जानकारी होने के बाद समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव बाबूलाल सेठ आजमगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रशासन के द्वारा जो अभद्रता की गई है, हम लोग इस कार्रवाई संतुष्ट नहीं है और जिस तरह की यह घटना हुई है वह निंदनीय घटना हुई है। इसमें जितने भी अधिकारी दोषी हैं तत्काल उन्हें सस्पेंड किया जाए। इस घटना के बाद से व्यापारियों में दहशत फैला हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर दोषी अधिकारियों को सस्पेंड नहीं किया गया तो समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में इसको लेकर धरना प्रदर्शन करेगी और तब तक करेगी जब तक न्याय नहीं मिल जाता, और अगर नहीं न्याय मिलता तो न्यायालय के शरण में भी जाएंगे। उन्होंने भी कहा कि इस पूरे मामले को लेकर वह देश प्रदेश स्तर के व्यापारियों से बात करेंगे और आंदोलन की रणनीति को तय करेंगे। क्या कुछ कहा बाबूलाल सेठ ने, सुनवाते हैं आपको। जो ये प्रशासन की कार्रवाई चल रही है, ये हमारे यहाँ के व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं, हम लोग इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। या तो जिस तरह की ये निंदनीय घटना हुई है, इसमें जितने भी अधिकारी इन्वॉल्व हैं उनको पहले तो तत्काल सस्पेंड किया जाए, उसके बाद सारे व्यापारियों में एक दहशत का फैला हुआ है। ये SDM इतनी बदतमीजी की तरफ तेज आ रहा है सबसे कि पूरे व्यापारी यहाँ के डरे हुए हैं। इसकी ये कथन, ये खुलेआम इनके दुकान पे गया, वो बोला कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, शासन में हूँ, मैं SDM यहाँ का हूँ, हमको जो अच्छा लगेगा मैं करूँगा, मुकदमे में चाहे जिसको चाहे जितना फंसा दूँ। अब आगे आपके द्वारा क्या किया जाएगा? आगे हमारे द्वारा ये, अगर इन लोगों को सस्पेंड नहीं किया गया तो हम समाजवादी पार्टी के लोग पूरे प्रदेश में इसको लेकर के धरना प्रदर्शन करेंगे, ताकि जब तक हम लोगों को न्याय न मिले। अगर हम लोगों को प्रशासन के द्वारा न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग कोर्ट जाएंगे।
बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के विकासखंड कोयलसा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसमें न्याय पंचायत द्वारा 10 काउंटर बनाए गए हैं। वैश्विक महामारी को देखते हुए बुढ़नपुर तहसील के तहसीलदार शक्ति सिंह के नेतृत्व में नामांकन प्रक्रिया का शुभारंभ हुआ। आर ओ नदीम ने बताया कि आज सुबह 8 बजे से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है, शाम 5 बजे तक नामांकन प्रक्रिया चलनी थी। भारी मात्रा में प्रत्याशियों द्वारा नामांकन किया गया, जिसके चलते नामांकन प्रक्रिया देर शाम लगभग 7 बजे तक सकुशल सम्पन्न कराई गई। ब्लॉक मुख्यालय से 200 मीटर दूर पुलिस बल द्वारा बैरिकेडिंग की गई थी। प्रत्याशी के साथ एक ही व्यक्ति नामांकन के लिए अनुमति दी जा रही थी। साथ ही थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर, मास्क, इन चीज़ों की भी उचित मात्रा में व्यवस्था की गई थी। भीड़ ज़्यादा होने के नाते तहसीलदार के निर्देश पर प्रत्याशियों को टोकन वितरित कर दिया गया। नंबर आने पर टोकन ले जाकर के प्रत्याशी आसानी से नामांकन कर पुनः अपने घरों को चले जाते। पहले दिन का नामांकन 199 प्रधान पद के प्रत्याशी, 269 बीडीसी पद के, 41 सदस्य कुल 509 पद के लिए प्रत्याशियों ने नामांकन किया। 7 अप्रैल और 8 अप्रैल को जारी है, इसमें 4 पदों के लिए नामांकन प्रारंभ सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो गया है और 5 बजे तक चलता है। कुछ काउंटरों पर ज़्यादा नामांकन आने के कारण 5 बजे तक लोगों को टोकन दे दिया गया है और उनके निरीक्षण की प्रक्रिया चल रही है। इसको नामांकन प्रार्थना पत्र इन लोगों का प्राप्त करने के बाद ऑनलाइन किए जाने की प्रक्रिया है, इनको आज ही अपलोड कर दिया जाएगा पंचायत निर्वाचन आयोग की साइट पर। और यहाँ पर गाइडलाइन कोविड की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए तो यहाँ पर एक प्रत्याशी और एक प्रस्तावक दो को अंदर आने की अनुमति दी गई थी। पर्याप्त बैरिकेडिंग की गई थी, गोला बनाए गए थे ताकि लोग 2 गज की दूरी पर रहें और उनको टोकन दे दिया गया था कि अपनी बारी आने पर ही वो लोग अपना नामांकन पत्र दाखिल करें। और इस तरीके से यहाँ पे काफ़ी शांतिपूर्वक तरीके से आज पहले दिन नामांकन रहा, कल भी होगा इस तरीके का नामांकन और शेष लोग अपना नामांकन करेंगे। अभी हम लोगों के द्वारा ऑनलाइन की प्रक्रिया जारी है, तरह की कोई यहाँ पर कहीं कोई असुविधा नहीं हुई। शुरू से ही प्रशासन से लेकर के और पुलिस की व्यवस्थाएं और उनके लिए पानी की व्यवस्था, उनको छाया में बैठने की व्यवस्था और भीड़ भाड़ न हो, इस प्रकार के विशेष इंतजाम किए गए थे यहाँ पर। और इसमें जनता का काफ़ी सहयोग रहा, उन्होंने कोविड के नियमों का पालन किया, किसी प्रकार की भगदड़ नहीं हुई और बहुत ही आसानी से लोगों के द्वारा नामांकन किया गया, उनको भी असुविधा नहीं होने दी। हथरौलिया क्षेत्र के एक बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य द्वारा खुली हंटर गाड़ी में बैठकर जुलूस निकाला गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया और नारेबाजी करते हुए आचार संहिता की धज्जी उड़ाई। वही प्रधान पद के कई प्रत्याशियों द्वारा अपने नामांकन के दौरान जुलूस निकालकर पटेल तिराहे से होते हुए नारेबाजी की गई और 4 पहिया वाहन एवं 2 पहिया वाहन सहित सैकड़ों की संख्या में रैली निकालकर आचार संहिता की धज्जी उड़ाई गई। वही क्षेत्र के पेड़रा में प्रधान पद के प्रत्याशी द्वारा जुलूस निकालकर आचार संहिता का उल्लंघन किया गया। पंचायत चुनाव को देखते हुए जहां जिले में धारा 144 तथा आचार संहिता प्रभावी है, जहां जुलूस को निकालना सख्त मनाही है, वहीं कुछ प्रत्याशियों द्वारा जुलूस निकाला गया और आचार संहिता की जमकर धज्जी उड़ाई गई। इस पर कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की गई। पंचायत चुनाव के कारण धारा 144 के साथ साथ कोरोना वायरस अपने दूसरे चरण में तेजी से फैल रहा है, इसको लेकर के भी शासन की सख्त गाइडलाइंस है, फिर भी प्रशासनिक तंत्र इतना कमजोर होने के कारण लोग उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। लोगों को मास्क लगाने कोई भय नहीं दिख रहा है। इस मामले में उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर अरविंद कुमार सिंह का कहना है कि पंचायत चुनाव के दृष्टिगत धारा 144 लागू है, कहीं पर भी कोई जनसभा का आयोजन नहीं कर सकता, कोई जुलूस नहीं निकाल सकता, 5 लोगों से अधिक एक साथ प्रचार भी नहीं कर सकते। अगर ऐसा हो रहा है तो नियमों की अवहेलना है एवं कोरोना के कारण लोगों को मास्क लगाने के लिए बार बार कहा जा रहा है और यदि लोग ऐसा नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आजमगढ़ के विकासखंड अतरौलिया में गुरुवार सुबह 8 बजे से नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई। नामांकन शुरू होते ही प्रत्याशियों की भीड़ दिखने लगी। प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त कर दी गई। स्वयं उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर अरविंद कुमार सिंह, चित्राधिकारी महेंद्र शुक्ला तथा प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडे द्वारा सुबह से ही ब्लॉक परिसर में मॉनिटरिंग की जा रही है। ब्लॉक परिसर में
शेबोटोस जॉगिंग टीम के साथ डॉग स्क्वाड भी लगाए गए हैं, जिसके प्रभारी सब इंस्पेक्टर अशोक सिंह व उनकी टीम द्वारा परिसर को देखा गया। नामांकन रूम में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में प्रत्याशियों का नामांकन किया जा रहा है, तो ही प्रत्याशियों के साथ एक ही प्रस्तावक को अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। आइए सुनाते हैं कि उपजिलाधिकारी अरविंद कुमार सिंह व आर ओ भवानी शंकर शुक्ला ने क्या कुछ कहा। अब कल की जो स्थिति है मैं आपको बता दूं पूरा डिटेल। जो प्रधान के लिए है वो 281 पदों के लिए नामांकन किए गए हैं और क्षेत्र पंचायत सदस्य के पदों के लिए 161 के नामांकन किए गए हैं और ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए जो है वो 9 की गई हैं और इस क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत कुल 3 जिला पंचायत के पद हैं जिसके लिए नामांकन जिले स्तर पर किए जा रहे हैं, उसकी सूचना हमें नहीं है। अभी तक सर कितने लोग कर चुके हैं? आज की स्थिति अभी अपडेट नहीं हुई है, अभी हम आपको कुछ विलंब में अपडेट कर देंगे। कल जैसे नेट की पंचिंग नहीं हो पाई थी, आज के नेट की पंचिंग का नेट किस स्पीड पे आया था? नेट फीडिंग का कार्य जी, नेट फीडिंग का कार्य कल हम लोगों ने देर रात तक करीब 80% कर लिया था। कुछ फीडिंग नेटवर्क स्लो होने के कारण नहीं हो पाए थे, जिसको आज सुबह एकदम भोर से ही 6 बजे से हमारे जो है कंप्यूटर ऑपरेटर लगे हुए हैं और फीडिंग का कार्य कर रहे हैं। सर कितने कंप्यूटर ऑपरेटर लगे हैं? कितने? लगभग उनकी संख्या 8 है और 8 कार्य चालू हालत में है। कुछ कमियां मिली हैं या कोई असुविधा हुई है, क्या तैयारी है? देखिए, शांति व्यवस्था के दृष्टिकोण से जो है यहाँ पे पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। मैं स्वयं CO साहब के साथ तीनों ब्लॉकों में लगातार भ्रमण कर रहा हूँ और हर ब्लॉक पे कम से कम 2-2.5 घंटे स्वयं मैं बैठता हूँ, तो लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। मतदान के लिए जो है नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है। उम्मीदवारों के लिए अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है जैसे नामिनेशन के दौरान, तो उसकी किस प्रकार से मदद की जा रही है? उसको यहाँ पे लगातार हम लोग अपने स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आरओ साहब हमारे शुक्ला जी लगातार हर काउंटर पे जा करके कहीं भी किसी काउंटर पे असुविधा होती है तो तत्काल उसका समाधान कराया जाता है। आजमगढ़ के जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने प्रेस को बताया है कि 4 अप्रैल 2021 को जिला कांग्रेस कार्यालय पर बैठकर पंचायत चुनाव कमेटी के प्रत्याशियों के चयन पर विचार कर रहा था। उस वक्त उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 2 सचिव जिला कांग्रेस कार्यालय पर उपस्थित थे। उसी समय कई पत्रकारों एवं सामाजिक संगठनों के लोगों ने फोन पर बताया कि शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी के साथ पुलिस ने CO/CTO एवं उप जिलाधिकारी की उपस्थिति में मास्क के नाम पर मारा पीटा और कोतवाली उठा लाए। मैं भी कोतवाली पहुंचा जहां पर कई दलों के नेता मौजूद थे, BJP के कई नेता वहां थे, उनके साथ BJP के जिला प्रचारक अधिकारियों के साथ कानाफूसी कर रहे थे। मैं वहां पीड़ित से एवं अधिकारियों से वार्ता के बाद कांग्रेस कार्यालय वापस आ गया। बाद में पता चला कि वहां पर BJP के लोगों द्वारा कुछ उपद्रव किया गया, जिसका वीडियो फुटेज सोशल मीडिया के माध्यम से पब्लिक के संज्ञान में है। प्रशासन को चुनौती देता हूं कि यदि किसी तरह का वीडियो फुटेज प्रशासन उपलब्ध कराता है, मैं उससे मैं मेरे द्वारा कोई गैर कानूनी कार्य किया गया हो तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। छात्र, राजनीति से लेकर आज तक मेरा संघर्षों का इतिहास रहा। मैं जिला प्रशासन को चुनौती देता हूँ कि फर्जी FIR के दम पर पीड़ितों की सहायता करने से प्रशासन हमें कतई रोक नहीं सकता। कांग्रेस के बढ़ते जनाधार से बौखलाई भाजपा ने हमारे पंचायत चुनाव को प्रभावित करने के लिए BJP के नेताओं के इशारे पर इस तरह का कृत्य किया है। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से आशुतोष द्विवेदी, सुमन कुमार सिंह, बिलाल अहमद, पूर्णमासी प्रजापति, मुन्नू यादव, रविकांत त्रिपाठी, जगदंबिका चौधरीवेदी, राणा खातून, राजा राम यादव, साबिया अंसारी, अमर बहादुर आदि लोग उपस्थित रहे। क्या कुछ कहा इस बाबत अध्यक्ष जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने, सुनवाते हैं आपको। क्योंकि मेरे लिए निजी रिश्ते महत्वपूर्ण है, मेरे जगह मैं राजनीति करती हूँ, एक पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ, तो आजमगढ़ जनपद का जो भी सजग प्रहरी है, चाहे वो पत्रकार है, चाहे वो नेता हो, चाहे स्वयंसेवी संगठन का अध्यक्ष हो, चाहे व्यापारी हो, उसके साथ खड़ा होना मेरा धर्म है। उसी वही काम मैं करता हूँ, मेरी दल सीमाओं से हट करके मैं काम करता हूँ, वही मैं परसों भी किया। लेकिन जो मेरे पर मुकदमा लगाया गया, एक क्रिमिनल अफेंस, 16 धाराएं लगाई गई, 307 तक लगाया गया, यह कहते हुए और उसमें DM की दाइक मैं सुन रहा हूँ कि DM ये कह रहे कुछ अराजक तत्व घुसाए थे, संधि भी कह रहे कुछ अराजक तत्व घुसाए थे, उसमें 4 लोगों को नामजद किया जाता है और उसमें मुझको मुख्य नोटिस में लिया जाता है। मैं आप लोगों के माध्यम से मैं प्रशासन को आगाह करना चाहता हूँ कि 150 लोगों के खिलाफ आपके मुकदमे बन जाए। बदतमीजी कानून को हाथ में लेने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया होगा और लोगों ने भी किया होगा। प्रमुख रूप से जिन नेताओं के आप बगल बगल बैठे रहे
जिस जिला प्रचारक के आप कान में बात करते रहे, उससे सलाह लेते रहे, उसका दिशा निर्देश लेते रहे, उन लोगों के खिलाफ भी आपको मुकदमा पंजीकृत करना चाहिए था, क्योंकि वह व्यापारी भी भाजपा से जुड़ा हुआ था। हम लोग तो सिर्फ देखने समझने गए थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी कौन सी स्थिति आ गई कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी पीड़ित हो रहे हैं, वह भी सड़क पर उतर रहे हैं। हम कहीं कहीं से उन लोगों के समर्थन में। रही बात मुकदमे की, तो मैं आप लोगों के माध्यम से जिलाधिकारी को, SSP को और उनकी सरकार को योगी आदित्यनाथ को बता देना चाहते हैं कि अगर आप प्रवीण सिंह के ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस दर्ज करके हमको डरा देना चाहते हैं, आप चाहते हैं अगर पत्रकार के साथ उत्पीड़न हो, हम न खड़े हों, तो संभव नहीं। आप चाहते हैं कि जगदार शहरी को आप अपमानित करें, यह संभव नहीं। हमें पत्रकारों ने बताया सूरज जायसवाल को मारा पीटा, मारने पीटने के बाद उसने अप्रोच किया क्यों मार रहा है, तो SSP ने आप ही लोगों से जो उन्होंने उसके प्रत्युत्तर में बाइट दी, कहा कि लोगों ने अपने आप छाट जो है मारा पीटा। इस तरह की जो संवेदनहीनता है, इसके मैं विरोध में हूँ, आगे भी मैं लड़ाई लड़ता रहूँगा। मैं निश्चित रूप से बार बार कहूँगा कि राष्ट्रीय ऑफिस आप बेच रहे हैं, अबकारी विभाग में 2 करोड़ महीने की वसूली आप करवा रहे हैं, तहसीलों को आप बेच रहे हैं, थानों को आप बेच रहे हैं, और आज मैं अभियुक्त हूँ, मैं अपराधी हूँ आपकी नज़रों में। आपने मुकदमा पंजीकृत किया है, मुझको जब गिरफ्तार करना चाहो गिरफ्तार करें, मुझे डर नहीं है। लेकिन मैं बार बार कहूँगा कि अगर दत्ता जैसे लोगों को घर गिराएंगे तो प्रवीण सिंह खड़े होंगे, अगर आप लूट मचाएंगे तो मैं कहूँगा आप लूट मचा रहे हैं, अगर आप पैसे लेकर काम करेंगे तो मैं कहूँगा कि आप काम कर रहे हैं पैसे लेकर, अगर आप थाने बेचेंगे तो मैं कहूँगा कि आप थाना बेच रहे हैं, मैं आपसे डरने वाला नहीं हूँ। देखिए कल जो घटना हुई, परसों जिस घटना पर आप लोगों के खिलाफ FIR हुआ है, उसमें और भी दल के लोग गए थे, सत्तारूढ़ दल के भी तमाम लोग थे, तो आखिर आपको क्या लगता है कि उनमें किसी के खिलाफ FIR निवेशित का? मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि जिस समय लाठीचार्ज उस समय मैं था भी नहीं, मैं वहाँ पर आप लोगों के सम्मान में, पूरे व्यापारियों के सम्मान में, सबके सम्मान में। आजमगढ़ में दूसरे चरण के मतदान के लिए हो रहे नामांकन के अंतिम दिन प्रत्याशियों में नामांकन को लेकर उत्साह देखने को मिला। नामांकन के लिए बनाए गए प्रत्येक काउंटर पर लोगों की भीड़ उमड़ी रही। कई नामांकन काउंटरों पर प्रत्याशियों की 2 लाइन लगवानी पड़ी। गुरुवार को नामांकन के दूसरे और अंतिम दिन ब्लॉक से लेकर जिला मुख्यालय पर नामांकन के लिए प्रत्याशियों का तांता लगा रहा। भीड़ अधिक होने से नामांकन करने के लिए पहुंच रहे प्रत्याशियों को टोकन देकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट चौराहे पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। नामांकन के बाद निकले प्रत्याशियों के चेहरे पर मुस्कान देखी गई। हाजीपुर क्षेत्र से भाजपा समर्थित प्रत्याशी आनंद सिंह ने कहा कि वे PM के नारे के अनुरूप सबका साथ सबका विकास करेंगे। वहीं परशुरामपुर क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी से समर्थित प्रत्याशी हरकेश मिश्रा ने कहा कि उनका परिवार पिछले 40 सालों से जनता की सेवा करता चला रहा है, उन्हें इस बार बहुजन समाज पार्टी ने मौका दिया है। उन्होंने भी कहा कि जन समस्याओं के लिए पहले भी ब्लॉक तहसील से लेकर जिला मुख्यालय तक लड़ाई लड़ते रहेंगे, वे अपने क्षेत्र की जन समस्याओं को त्वरित गति से निपटाएंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे। क्या नाम है सर आपका? हरकेश मिश्रा। किस वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं? वार्ड संख्या 16 जिला पंचायत परशुरामपुर से बहुजन समाज पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी हैं और आज हमने वहां अपना नामांकन यहां किया है। क्या उद्देश्य है और चुनाव लड़ने का कितना विकास क्या है? चुनाव लड़ने का उद्देश्य उसे तो हम लोग बराबर जनता के बीच सक्रिय रह करके जनता की समस्याओं की लड़ाई लड़ने का काम बराबर करते रहते हैं, चाहे वह किसी मुद्दे पर रहा हो, चाहे किसानों का मुद्दा रहा हो, चाहे नौजवानों का रहा हो, चाहे छात्रों का रहा हो, किन्हीं मुद्दों पर हम लोग बराबर लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। यह तो एक प्लेटफार्म है कि अगर हम लोग को एक प्लेटफार्म मिलता है तो हम लोग बड़ी मजबूती के साथ उस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे और एक माध्यम बन करके जनता के बीच, चाहे सड़क का हो, चाहे नाली का हो, चाहे जो भी हमारे जिला पंचायत परशुरामपुर की जो भी समस्या होगी, उन समस्याओं को लड़ने के लिए, उन समस्याओं को पूरा करने के लिए जनता के प्रति हम लोग वचनबद्ध रहेंगे और हमेशा वचनबद्ध रहते हैं, क्योंकि हम लोग का राजनीतिक परिवार रहा है, बराबर जनता के बीच काम करते रहे हैं। हमारी चाची जी भी जिला पंचायत सदस्य रही हैं 2005 में बहुजन समाज पार्टी से, चाचा जी भी हमारे सहकारी बैंक के डायरेक्टर हैं, पिताजी हमारा परिवार 40 वर्षों से लगातार ग्राम प्रधान पद पर काम कर रहा है। कोई नया चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बराबर जनता के बीच सक्रिय रहते हैं, उनकी लड़ाई लड़ने का काम ब्लॉक स्तर से लेकर जिले स्तर तक बराबर हम लोग करते रहते हैं। मेरा नाम आनंद कुमार सिंह है। किस क्षेत्र से लड़ रहे हैं? वार्ड 05 हाजीपुर जिला पंचायत क्षेत्र से मैं भाजपा समर्थित प्रत्याशी हूँ। क्या मुद्दे रहेंगे और क्या विकास रहेंगे आपके? हमारे माननीय नेता नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उनका जो नारा है, इसके लिए हम लोग घर घर जाएंगे।
अंत्योदय का विकास करने के लिए, सड़कों का विकास करने के लिए, समाज में समरसता लाने के लिए, हॉस्पिटल और शिक्षा की उन्नति के लिए जो हमारी राज्य सरकार और जो हमारे केंद्र सरकार की नीतियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाएंगे और जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास कायम करेंगे। इन संकल्प के साथ हम हाजीपुर जिला पंचायत क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार ज्ञापन करते हुए, उन सबका अभिनंदन करते हुए और अपने पार्टी की मूल नीतियों को जन जन तक पहुँचाएंगे, अपने केंद्र एवं राज्य सरकार की सारी सुविधाओं को, सारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने के संकल्प को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। गांव के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? अपने गांव और क्षेत्र के लोगों से कहना चाहेंगे कि जो समाज में छद्म समाजवाद का नाम है, जातिवाद है, भाषावाद है और भाई भतीजावाद है, इससे ऊपर उठ करके उस भारतीय जनता पार्टी को जिसमें एक चाय बेचने वाले का बेटा भी इस विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्टी का मुखिया हो सकता है, भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, उस पार्टी के विचारों में अपनी आस्था जगाएं और देश के विकास को करके भारत को हम लोग विश्व गुरु तक पहुंचाएं, इसके लिए हम सब प्रयत्नशील हैं, उसमें सहयोग करें, बीजेपी को वोट दें और देश को मजबूत बनाएं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपराध जगत की बात हो और गोरखपुर के हरिशंकर तिवारी से शुरुआत न हो तो कहानी अधूरी रहेगी। हरिशंकर तिवारी के प्रतिद्वंदी थे वीरेंद्र प्रताप शाही। ब्राह्मण बनाम ठाकुर के समीकरण पर दोनों का साम्राज्य कायम था। रेलवे के ठेके दोनों के लिए अहम थे। हरिशंकर तिवारी ने धीरे धीरे राजनीति में कदम बढ़ा दिया। यहाँ से राजनीति और अपराध में कुछ ज्यादा घुल मिल गए। इसी रास्ते पर गाजीपुर में दबंगई का रास्ता चुनकर अपराध और गैंगवार तक पहुंचे मुख्तार अंसारी ने भी चलना ठीक समझा। हालांकि मुख्तार का परिवार दादा के जमाने से भारतीय राजनीति में काफ़ी रसूखदार था। मुख्तार को मिले राजनीतिक संरक्षण ने उन्हें बाहुबली बना दिया। इसी राजनीति में मुख्तार के जानी दुश्मन बृजेश सिंह को भी भविष्य सुरक्षित नजर आया। मुख्तार गिरोह में 90 के दशक में मुन्ना बजरंगी जैसा शूटर शामिल हुआ। कहा जाता है कि बागपत जेल में मारे गए मुन्ना के हाथ अपने दुश्मनों पर गोलियां बरसाने में कभी नहीं कांपते थे। इसकी पहली बार की जौनपुर का रामपुर तिराहा का हत्याकांड है जिसमें मुन्ना बजरंगी ने स्वचालित हथियार से कैलाश दुबे, छात्र नेता राजकुमार सिंह और एक अन्य को गोलियों से छलनी कर दिया था। दूसरी बड़ी वारदात ने उसे हार्डकोर शूटर में तब्दील कर दिया। नवंबर 2005 में मुन्ना बजरंगी ने मुख्तार गिरोह के शूटरों के साथ तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय की हत्या की। कहा जाता है कि इसमें लाइट मशीन गन तक का उपयोग किया गया है। इसे मुख्तार ने अपने पूर्व नगर के सहारे उसके सेना के भगौड़े फौजी भाई से बरामद किया था। बृजेश सिंह, दूसरा नाम अरुण कुमार सिंह है इसका, के बारे में कहा जाता है कि होनहार छात्र थे लेकिन पिता रविंद्र सिंह की 27 अगस्त 1984 को हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि इस हत्या में गांव के हरिहर सिंह और पांचों सिंह और उनके साथियों का नाम आया। बताते हैं कि इसके बाद ब्रिजेश बदला लेने की आग में झुलसने लगा। करीब एक साल बाद उसके पिता के हत्यारे दिनदहाड़े मारे गए जिनकी हत्या का आरोप उस पर लगा। यह ब्रिजेश पर पहला आपराधिक मामला था और वह फरार हो गया। 1984 में ब्रिजेश को साथियों के साथ वाराणसी के सिकरौरा गांव में पिता की हत्या में शामिल अन्य पांचों लोगों की हत्या में नामजद किया गया। पुलिस ने गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। जेल में ब्रिजेश की मुलाकात त्रिभुवन सिंह से हुई और आगे का सफरनामा दबंगई माफियागिरी की तरफ बढ़ चला। आगे की कहानी में कितना सच है वह ब्रिजेश के अलावा कम लोगों को मालूम है, लेकिन कहा जाता है कि ब्रिजेश ने फिर फरारी के दौरान मुंबई का रुख किया। मुंबई में कुख्यात डॉन दाऊद इब्राहिम के संपर्क में आया। ब्रिजेश ने दाऊद के जीजा की हत्या का बदला लेने के लिए डॉक्टर के भेष में मुंबई के जेजे अस्पताल में साथियों के साथ एंट्री ली। वहां पुलिस मौजूद थी और पुलिस की मौजूदगी में गवली गिरोह के चार लोगों को गोलियों से भून दिया गया। उसकी चलाकी और फुर्ती से भरी यह वारदात दाऊद को भी दांतों तली अंगुली दबाने को मजबूर कर गई। ब्रिजेश सिंह ने गाजीपुर के त्रिभुवन सिंह के साथ मिलकर गिरोहबंदी शुरू की थी। आर्थिक साम्राज्य के लिए रेशम कोयला सरकारी विभाग के ठेके अहम थे। दोनों इसे हथियाने में लग गए। बनारस की मशहूर चंदासी कोयला मंडी में भी दबाव बनाने की होड़ शुरू हो गई। यह वह दौर था जब कोयले की काफ़ी मांग थी। ईंट भट्टे से लेकर हर जगह यह कारोबार फूल फल रहा था। इसी कारोबार पर वर्चस्व की जंग में सामना मुख्तार अंसारी से हुआ। मुख्तार के पास राजनीतिक सदस्यों की अच्छी खासी थी, इसके चलते संरक्षण भी। मुख्तार गाजीपुर से बैठकर पूर्वांचल में अपना दबंगई का सिक्का चलाते हैं। दूसरी तरफ 90 के दशक से 2017 के पहले तक गोरक्षापीठ के महंत योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर मंडल में अपना सियासी दबदबा चल रहा था। इस बीच दो बड़ी घटनाएं हुई, एक आजमगढ़ के सिविल कॉलेज की घटना और दूसरी भी इस तरह से ही थी। तब सांसद योगी आदित्यनाथ ने इसे धर्म की रक्षा से जोड़कर गोरखपुर से कूच किया था।